नमस्कार दोस्तों। तो हम मारवाड़ के इतिहास की बात कर रहे थे और कल हमने जो एक मारवाड़ वंश स्टार्ट किया था और इस वंश में हमने बात कर ली थी। सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि भाई राठौड़ वंश का विचार क्या रहा, किसने किसको माना, ये सारी चर्चाएं करी थी, है ना। इसके बाद में अगला जो स्टेप अपना चलेगा वो आज का रहेगा, उसी से आगे क्रम को बढ़ा रहे हैं। हमने राव दुहट भी पढ़ा था कल। कल हमने पढ़ा था राव सिहा। राव सिहा के बाद पढ़ा आस्थान, उसका पुत्र आया, और उसका पुत्र कौन आया, राव दुहट, जो कर्नाटक से लेकर के आया था। कर्नाटक से कौन सी मूर्ति लेकर के आया, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर के आया था, है ना। और नगणा गांव में उन्होंने क्या बनवा दिया था, नगणा गांव में चक्रेश्वरी माता का मंदिर बनवा दिया, इसलिए उसको क्या कहा जाने लगा, नागणेची माता कहा जाने लगा। 18 हाथों वाली देवती है ना, देवी है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आज से अपना अगला राजा रहेगा, मैंने एकदम क्रमबद्ध तरीके से पूरा एक एक, चाहे छोटा है चाहे मोटा है, एक एक राजा को व्यवस्थित किया है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कौन है अपना, यह है रायपाल। रायपाल, रायपाल का जो समय रहा है 1309 से लेकर के 1313 तक रहा है। इन्होंने क्या किया, खेड़ पर शासन किया है, और खेड़ पर इन्होंने लगभग 1309 से लेकर के 1313 तक शासन किया है। इसके बाद में इन्होंने जैसलमेर को जीत लिया है, और जैसलमेर को किससे जीता है, भाटियों से जीता है। भाटियों से जैसलमेर को इन्होंने जीत लिया था, और प्रत्यारों से किसको जीता, मंडोर को प्रत्यारों से इसने जीत लिया। इसके बाद में इन्हीं का पुत्र आता है, और इनका पुत्र आता है कौन, राव कनकमल। राव कनकमल 1313 से शासक बनता है और 1323 तक चलता है। और इनके समय में यहाँ पर जो जैसलमेर में भाटी हुआ करते थे, भाटियों और राठौड़ियों के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ है, ये बात आपको याद रख लेनी है। किसके समय की बात है ये है कनकमल की। कनकमल से आपको याद रख लेना है काक नदी। काक नदी राठौड़ियों और जो भाटी हुआ करते थे उनके बीच में, भाटी और राठौड़ों के बीच में क्या सीमा का निर्धारण करती है, कौन सी नदी, काक नदी, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद में फिर यह है राव जालनसी। राव जालनसी आया और 1323 से लेकर के 1328 तक शासक रहा है। इनके समय की बात करें तो इन्होंने सोडों से अजमेर को जीता है, और सोडों से अजमेर को जीता तो सोडों से इन्होंने बेइज्जती की सोडों की इन्होंने, और उनका क्या साफा खींच लिया था, और साफा खींच लिया तो उसी दिन से इन्होंने क्या किया, साफा बांधना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले साफा बांधने वाला कौन था, तो सबसे पहले साफा बांधने वाला था राव जालनसी, ये बात आपको याद रख लेनी है। मारवाड़ में आपसे पूछता है कि मारवाड़ में साफा बांधने वाला पहला राजा कौन सा था, तो पहला राजा कौन सा था, राव जालनसी था, ठीक है साहब। इनके बाद आया इसका पुत्री है राव हाड़ा जी, सॉरी छाड़ा, छाड़ा है ये, हाड़ा जी है ना, छाड़ा जी है ना। 1328 से लेकर के 1344 तक शासक रहे हैं, वीर हैं, साहसी रहे हैं, इसीलिए इनको जाना जाता है। इन्होंने सोढ़ों और किसको, तुर्कों को हराया, ये बात भी आपको याद साथ साथ में रख लेनी है। तो हमने जालनसी पढ़ा, राव छाड़ा पढ़ा, इसके बाद में हमने फिर देखना है कौन आया, इसके बाद में आया राव तीड़ा। अच्छे समय तक शासक रहे हैं, है ना, इनके बारे में कई जानकारियां जानने लायक भी हैं, इसीलिए मैंने इनको लिखा भी है। तो कब से कब तक चलेंगे, 1313 से लेकर 1344 से लेकर के 1344 से लेकर के चले हैं, और 1357 तक चले हैं, 44 1357, है ना। राजधानी इन्होंने किसको बनाया है, महो, महेवा, है ना, महेवा को राजधानी बनाया। महेवा जो बाड़मेर में पड़ता है, ये वो वाला महोवा नहीं है जो महोवा का युद्ध हुआ, तुमल का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड हुआ करते थे, परमर देव चंदेल उसके आला रुदल, वो वाला नहीं है, ये अलग है, ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है, बाड़मेर में है। अच्छा, भीनमाल पर अधिकार कर लिया, भीनमाल क्षेत्र को इन्होंने जीता है, और भीनमाल पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इसके बाद में 1308 ईस्वी में सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, आपको याद होगा सिवाना का एक शाखा हुआ था, उस शाखा के समय की बात है। तो उस समय पर सातल देव जी हुआ करते थे, ये सातल देव जी कौन थे, ये सातल देव जी, सातल देव जी, और ये थे सोमदेव जी, ये बात करते हैं। तो यहाँ पर इनके जो तीड़ा जी हैं, तीड़ा जी के ये भांजे हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, भांजे, मामा ये हुआ करते थे, भांजे ये हुआ करते थे। इस वजह से ये उस में युद्ध में लड़ने गए, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसमें लड़ने गए थे सातल देव की तरफ से और सोमदेव की तरफ से। सातल देव जी वीरगति को प्राप्त हो गए, और इधर से बात करते हैं तो सोमदेव जी वीरगति को प्राप्त हो गए, और तीड़ा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए, ये बात भी आपको याद रख लेनी है साथ साथ। इधर से बात करते हैं इनके पुत्र हुए, पुत्र कौन कौन से, एक का नाम है कान्हड़ देव, है ना। इधर से दूसरे जो गद्दी पर बैठा,
लेकिन कुछ समय बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आया त्रिभुवंशी, त्रिभुवंशी आया, त्रिभुवंशी गद्दी पर बैठा, लेकिन इसका भाई जो राव साल का है उसी का पुत्र कौन था, ये उसी का पुत्र था मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी ने किसकी हत्या कर दी, त्रिभुवंशी की हत्या कर दी। फिर शासक बना कौन, राव साल का। अगले समय में देखते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं, राव साल का शासक बना है, अच्छा टाइम रहा है, 1357 से बने हैं और 1374 तक शासक बने, कौन बना है, राव साल का शासक बना है। मुसलमानों ने इनको बचपन में अपहरण कर लिया था, किसको अपहरण कर लिया था, राव साल खा जी को, मुसलमानों को बड़ी मोटी धनराशि दे करके लौटाया, वापस लिया इनको, लेकिन कुछ समय, अच्छा शासक जो रहे वो कहाँ के रहे, गोपेड़ी गांव के शासक रहे। इधर से मुस्लिमों के आक्रमण से, मुस्लिमों से बचाया, फिर भी मुसलमानों ने इन पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इनके पुत्र जो हैं, कई पुत्र हैं, उनमें एक तो है मल्लीनाथ जी जिसको माला जी के नाम से भी जाना जाता है, एक है जैतमल जी, एक है बीरमदेव जी और एक है सोमत जी। एक पुत्री भी हुआ करती थी इनकी बिमली, और बिमली का विवाह जो किया था जैसलमेर के हुआ करते थे गढ़सी जी, राव गढ़सी जी, इनसे इसका क्या किया था, विवाह किया था, है ना। ये बात भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है, है ना, सालखा के बारे में बात करी। इसके बाद कौन आए, मल्लीनाथ जी। ये इन्होंने शासन व्यवस्था में कोई इनको इंटरेस्ट नहीं था, सत्ता में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, संत हुआ करते थे, है ना, लोक देवताओं के रूप में इनको जाना भी जाता है, लोक संत के रूप में भी इनको जाना जाता है, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो मल्लीनाथ जी की बात करें, मैंने आपको बताया कि पिताजी का नाम तो क्या था, सालखा था, राव सालखा जी हुआ करते थे। तो जन्म इनका कहाँ हुआ, महेबा, और महेबा कहाँ पड़ेगा, बाड़मेर में, महेबा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। और इसके बाद में तो कब कब की बात करते हैं, तो 1338 ईस्वी में, 1338 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पत्नी हुआ करती थी इनकी रूपा दे, कौन हुआ करती थी, रूपा दे, इनकी पत्नी हुआ करती थी रूपा दे। तपस्या करी पत्नी के कहने पर, पत्नी ने कहा कि आप भक्ति भक्ति कुछ करते नहीं हो, भगवान में कुछ हित लगाओ, जितना मुझसे प्रेम करते हो उतना भगवान से प्रेम करो तो शायद आपको भगवान मिल जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भगवान जी की पूजा पाठ करने लग जाता हूँ। और पूजा पाठ करने लग गए मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी ने ऐसी तपस्या की कि लोक देवता के रूप में फेमस हो गए। अच्छा, स्थापना भी की इन्होंने, पंथ की स्थापना किया, और कौन से पंथ की स्थापना की, कुंडा पंथ की स्थापना किया, कुंडा पंथ की स्थापना किया। इनको पदवी जो, उपाधि जो मिली वो किसकी मिली थी, रावल की उपाधि मिली थी। इसके बाद में पुत्र आया, और पुत्र का नाम क्या, इनके जगमाल, और इन्होंने परास्त किया किसको, मुस्लिमों को किया, मुस्लिमों को हराया इन्होंने। इसके बाद में इनको देवता के रूप, लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। और इधर मंदिर बना इनका कहाँ पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका क्या बना, मंदिर बना हुआ है, और लूनी नदी के पास में है। और मेला जो इनका भरता है वो चैत्र मास में भरता है, कौन से मास में भरता है, चैत्र मास में भरता है। ये आपके कौन रहे, राव मल्लीनाथ जी थे, है ना। इसके बाद में आए कौन, बीरमदेव जी, कौन आए, इन्हीं का पुत्र हुआ, उनका राव सालखा का पुत्र हुआ करता था बीरमदेव, बीरमदेव जी आए। और 1374 से लेकर के 1383 तक शासक रहे हैं, कौन रहे हैं, बीरमदेव जी। अब ठिकाना जो था इनका वो क्या हुआ करता था, गुड़ा, कौन सा ठिकाना हुआ करता था, गुड़ा ठिकाना हुआ करता था। लूटपाट करते थे, जोहियों को इन्होंने कई बार हराया, जोहिया वाटी पर आक्रमण किए, और इन्हीं आक्रमणों से इनकी क्या हो जाती है, 1383 में हो जाती है मृत्यु हो जाती है। और इनका अगले कलम जो पढ़ेंगे, इनका जो पुत्र आएगा, और इनका पुत्र कौन आएगा, इनका पुत्र आएगा राव चुंडा, कौन आएगा, राव चुंडा, उसके बारे में। यानी कि आप जो ये छोटे छोटे राजा थे इनको पढ़ाना छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने विचार किया कि ये छोटे छोटे राजा जो हैं भले ही कम आए लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाएं, इसीलिए मैंने छोटे छोटे राजाओं को और एक सीरीज क्रमबद्ध तरीके से मैं ले रहा हूँ। ये इतिहास पूरा पूरा के पूरा ऐसे ही कराएंगे हम व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। आगे की बात करते हैं।